आप सभी आदरणीय दोस्तों का एक बार फिर से इस चैनल और इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत। और आपके मन में ये सवाल अवश्य आ चुका होगा कि बंगाल की खाड़ी पर अगला वेदर सिस्टम कब बनेगा और कितना मजबूत होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा और किस तरह से सिस्टम का प्रभाव देश के राज्यों पर रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले एक नज़र डालते हैं इस समय किस तरह के हालात बने हुए हैं देश के ऊपर और किस तरह से सिस्टम बना हुआ है और वो बारिश दे रहा है। आपको बता दूँ कि दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी लगातार देश से हो रही है और इस बीच देश के कई राज्यों पर मौसम लगभग साफ बना हुआ है। और आपको बता दूँ कि उत्तर पश्चिम भारत के एक बड़े इलाके से मानसून ने विदाई ले ली है, जिसमें प्रमुख तौर पर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के भागों से मानसून पूरी तरह से वापसी की राह पर निकल चुका है। लगातार मैं आपको बता रहा था कि बंगाल की खाड़ी पर सक्रिय मौसमी सिस्टम लगातार बनते हुए नजर आते हैं। ऐसे में बंगाल की खाड़ी पूर्ण रूप से सक्रिय बनी हुई है, जिसके चलते बारिश वाले बादल डेवलपमेंट हो रहे हैं और सिस्टमों का नया प्रभाव शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दूं कि इस समय एक सिस्टम बना हुआ है जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, जो बंगाल की खाड़ी पर वेलमा लो प्रेशर की ताकत लेकर आगे बढ़ा था इस दिशा से, यानी कि इस तरह से यह सिस्टम आगे बढ़ा और इस समय लो प्रेशर बना हुआ है। हालांकि इसके प्रभाव से बारिश का प्रदर्शन और बारिश का प्रभाव पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। पूर्वी भारत के भी कई इलाकों पर काफ़ी व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा आज भी और कल परसों तक बारिश की गतिविधियां बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कई इलाकों पर देखने को मिलेगी। हालांकि मानसून वापसी में विलंब की कोई भी संभावना नहीं है। बात करते हैं कि बंगाल की खाड़ी पर अगला मजबूत सिस्टम कब बनेगा और इसका क्या रहेगा प्रभाव। आपको बता दूं कि बंगाल की खाड़ी पर लगातार हवाओं का प्रदर्शन बदल रहा है। बंगाल की खाड़ी पर नमी की मात्रा बढ़ रही है। हालांकि अक्टूबर का महीना चल रहा है और अक्टूबर में समुद्र के तापमान की सतह जो गर्म है वो होती है, जिसके चलते यहाँ पर लो प्रेशर जोन बनता है और लो प्रेशर जोन बनने के बाद वो धीरे धीरे जो ताकतवर होता है अपने इंटेंस को लेकर हवाओं के चलते, फिर वो सिस्टम आगे बढ़ता हुआ डिप्रेशन बनता है, डीप डिप्रेशन बनता है और फिर तटीय इलाकों के आसपास जाकर ये साइक्लोन बन जाता है। कई बार तो वेरी सीवियर साइक्लोन भी डेवलपमेंट होता है। तो इस समय ये कैटेगरी होती है सिस्टम की कि ये सिस्टम भारत के कई राज्यों को प्रभावित करता है और अक्टूबर में और मई जून में तो खासकर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव होता है। नवंबर और दिसंबर का महीना भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है साइक्लोन को लेकर। फिलहाल आपको बता दूं कि भारत के पूर्वी देशों पर चक्रवाती तूफानों का काफ़ी ज़्यादा खतरा है। भारत के पूर्व में एक के बाद एक सिस्टम बनते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो चाइना सी के क्षेत्रों पर बने, साउथ चाइना सी में बने, लेकिन सिस्टमों का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। एक सिस्टम 2 अक्टूबर के आसपास, यानी कि आज, आप देखिए किस तरह से किस इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। कि इस सिस्टम के प्रभाव की बात करें तो ये फिलीपींस सहित आसपास के देशों को प्रभावित करेगा और इसके लैंडफॉल की प्रक्रिया को हम देखें तो ये सिस्टम उम्मीद और संभावना है कि लगभग चाइना से के दक्षिणी भागों को प्रभावित कर सकता है। हांगकांग पर भी इसका प्रभाव हो सकता है। इससे मैं आपको बता दूँ कि सिस्टम का जो मूवमेंट है वो आगे बढ़कर, आगे चलकर लगभग लगभग आप देखिए कि किस तरह से ये चाइना से की ओर बढ़ेगा और चाइना के दक्षिणी भागों के आसपास लैंडफॉल करेगा। उम्मीद नज़र आ रही है कि वेरी सीवियर साइक्लोन की इंटेंसिटी लेकर ये सिस्टम लैंडफॉल कर सकता है। इसके अलावा आपको बता दूँ कि इस सिस्टम से भारत का कोई भी लेना देना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर इस बीच में अगर कोई ट्रैक में बदलाव आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। हालांकि ट्रैक में बदलाव की कोई संभावना नहीं है और आपको बता दूं कि ये जो सिस्टम है वो लगभग लगभग चाइना सी के उत्तरी भाग, दक्षिणी भागों को पार करता हुआ चाइना में चला जाएगा। तो इस समय इससे भारत के आने की या भारत पर इसका कोई प्रभाव होने की संभावनाएँ बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। और आपको बता दूँ कि लगातार जो बंगाल की खाड़ी पर नमी की मात्रा बढ़ रही थी वो आप देखिए कि किस तरह से थाईलैंड के दक्षिणी भागों को पार करती हुई इस सिस्टम तक पहुंच रही है और एक सर्कुलेशन बना हुआ है आप देखिए थाईलैंड के दक्षिणी भागों पर, तो इसका भी प्रभाव यहाँ पर आप देखिए सिस्टम का कोई भी इंटेंस दिखाई नहीं दे रहा है। लगभग 7-8 अक्टूबर तक फिलहाल कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है सिस्टम को लेकर। इसके बाद आप देखिए कि लगभग लगभग 10 अक्टूबर के आसपास भी कोई संभावनाएँ महत्वपूर्ण दिखाई नहीं दे रही है, चूँकि यहाँ पर हाई प्रेशर जोन और इसके अलावा एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन बनेगा, जिससे कि उत्तर पश्चिम भारत और उत्तर भारत के कई इलाकों पर मौसम लगभग साफ रहने की संभावना है। मैं सिस्टम की बात कर रहा था, सिस्टम भी आप देखिए कि 11 अक्टूबर तक कोई भी एक्टिव मॉनसून कंडीशन बंगाल की खाड़ी या अरब सागर पर बनती हुई नहीं नज़र आ रही है, जबकि पूर्वी देशों पर भी ज़्यादा कोई प्रभाव नज़र नहीं आ रहा है।
तो इस बीच में अभी और भी बदलाव होगा, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा कि बारिश इस बीच कहां पर होने की संभावना है और क्या फसलों की कटाई के बीच में बारिश होगी या नहीं। आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने रेनफॉल का इमेज है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर 11 सितंबर तक कोई भी एक्टिव मानसून कंडीशन बनती हुई नहीं नजर आ रही है, जिससे कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोई भी महत्वपूर्ण बारिश देश के भागों पर अक्टूबर के पहले और दूसरे सप्ताह तक तो देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा 15 या 14 अक्टूबर के बाद अगर परिस्थितियाँ चेंज होती है तो इसके ऊपर मेरी नज़र रहेगी। फिलहाल रेनफॉल की बात करते हैं, बारिश की संभावनाओं की बात करते हैं, और तीसरा सिस्टम अगर हम देखें तो वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो उत्तर भारत को प्रभावित करता है। इस समय कमज़ोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, लेकिन इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं है उत्तर भारत के राज्यों पर। फिलहाल बारिश की संभावनाओं की बात करें, लो प्रेशर एरिया बना हुआ है जिसके प्रभाव से लगातार नमी की मात्रा बढ़ रही है, जिससे कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर बारिश का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। और साथ ही एक और सिस्टम बना हुआ है जो अरब सागर पर डिप्रेशन बना था, उसके बाद ये सिस्टम साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में बना हुआ है। इसने महाराष्ट्र के कई इलाकों में, साथ साथ गोवा के तटीय इलाकों पर और केरल कर्नाटक को भी प्रभावित किया है। ऐसे में अब आगे आगामी समय में कोई भी एक्टिव वेदर कंडीशन बनती हुई नहीं नज़र आ रही है। हालांकि ये लो प्रेशर एरिया कुछ उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा, जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस सिस्टम का प्रभाव जो है वो पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर भी दिखाई दे सकता है। जबलपुर पर बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा आप देखिए कि आसपास के भागों पर, जिसमें शहडोल, उमरिया, सिंगरौली और आसपास के भागों पर, इधर छत्तीसगढ़ में रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर तमाम इलाकों में बारिश होने के आसार है। इसके अलावा आप देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर भी भारी बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं, और साथ साथ पटना गया तक 2-3 अक्टूबर तक बारिश का प्रदर्शन रहेगा। इसके बाद आप देखिए किस तरह से मौसम में यहाँ पर बदलाव तो रहेगा, बारिश होने की संभावना भी रहेगी, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत की जो शुष्क हवाएँ हैं, गर्म हवाएँ हैं, वो पैर पसारना शुरू कर देगी, और 10-11 अक्टूबर तक उम्मीद है कि पूरी तरह से उत्तर पश्चिम भारत पर मौसम साफ रहेगा। हालांकि जो हिमालय क्षेत्र है वहां पर बंगाल की खाड़ी की नमी की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे कि उम्मीद संभावना कर सकते हैं कि नेपाल से लगे हुए उत्तराखंड के भागों पर, साथ साथ उत्तर प्रदेश के भागों पर और दिल्ली पर भी कुछ बारिश हो जाए हल्की बूंदाबांदी के रूप में, और बादल बन सकते हैं कुछ इलाकों पर। तो ये था मौसम का अपडेट। बंगाल की खाड़ी पर कोई भी मौसमी सिस्टम आगामी समय में नहीं बन रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा किस तरह की बारिश होती है आने वाले समय में और किस तरह से सिस्टम बनते हैं। धन्यवाद।